मत भाई, ये हाथ हाथ पीछे रख मत। राकेश मोगरा एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। पिछले 42 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन है। और अभी जो बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की जो घोषणा जो विधि मंत्री ने की है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उदयपुर की जनता और आसपास की जो जनता है, मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के लोग, जो हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 42 वर्षों से कर रहे हैं, जो हमें नहीं मिल के बीकानेर वालों को दिया जा रहा है, हम
बीकानेर वाला कोटा वाला किसी के विरोध नहीं है, लेकिन उदयपुर में तो दी जाए, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट बेंच वर्चुअल बेंच हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलती है तब आज पूरे संभाग के अधिवक्ता सड़कों पे है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा सभी जिलों में आज न्यायिक कार्यों में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। सभी अधिवक्ता एकजुट है कि जब तक वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच नहीं आती है तब तक करो या मरो की नीति है। जिस तरह से आज हम सड़कों पे उतरे हमारी संख्या बता रही है कि हमारे हौसले बुलंद है, और बुधवार को हमारे एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली उन्होंने बुलाया है, विधि मंत्री ने, वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद ही पता पड़ेगा कि वहाँ का सकारात्मक रुख है या नकारात्मक। अगर नकारात्मक रुख हुआ तो बहुत ही संगीन परिणाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिवक्ताओं की एकता के खिलाफ झेलने पड़ेंगे उनको। जय हिंद, जय भारत।